अरे मुकेश जी, आप मैनेजर साहब कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कहाँ गायब हो गए? कई महीने हो गया, बैंक आया ही नहीं। वो क्या है कि मैंने अपनी फैक्ट्री थोड़ी दूर शिफ्ट कर ली है, और फैक्ट्री स्टार्ट करना, उसमें काम चालू रखना, हम ही जाने हमारा टेंशन। लेकिन मुकेश जी, पिछले 6 महीने हो गए, आपके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन हुए ही नहीं, और जब ऐसी स्थिति आती है तो हम मैनेजर्स की बेचैनी बढ़ जाती है। बीच बीच में आ जाया कीजिए। वो कहते हैं ना, पैसा और इंसान दोनों को घूमते रहना चाहिए। आप सही कह रहे हैं मैनेजर साहब। मिस्टर शर्मा, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकती हूँ, पर पेपर वर्क काफी है, टाइम लगेगा। लेकिन मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए, ट्रांसफर करने हैं। आई अंडरस्टैंड सर, मैं जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूंगी। आप एक काम कीजिए, आप ये फॉर्म भर दीजिए, इसे मुझे हमारे बैक एंड ऑफिस भेजना होगा। क्यों, यहाँ ये प्रोसेस नहीं हो सकते? सभी चेंजेस, वेरिफिकेशंस, ये सब हमारे बैक एंड ऑफिस में होते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही आपका फॉर्म वहाँ भेज दूंगी। सब कुछ बैक एंड ऑफिस में ही होने वाला है, तो ये ब्रांच क्यों खोल रखी है? ब्रांच आपकी रिक्वेस्ट देने के लिए है सर, बट डोंट वरी, आई एम एट योर सर्विस। आपका काम जल्दी हो जाएगा। पिछले 10-15 सालों में बैंकिंग का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। एक जमाना था जब आपके बैंक का मैनेजर आपके घर के एक सदस्य जैसा था, लेकिन अब हाईटेक बैंकिंग अलग अलग खानों में बट गई है। हर छोटा काम आउटसोर्स किया जाता है। पर्सनलाइज्ड बैंकिंग, कस्टमर सर्विस जैसे शब्द हर पल सुनने को मिलते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि आप हर बार किसी नए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से फोन पर डील कर रहे हैं, जो आपको सिर्फ आपके अकाउंट नंबर से जानता है, आपको पहचानता बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में एक बैंक अकाउंट मेंटेन करने का मतलब होता है पिन नंबर्स, केस सेंसिटिव पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ईमेल वेरिफिकेशंस और न जाने क्या क्या। बैंकिंग वाकई पूरी तरह से बदल गई है, तो जाहिर है कि बैंकिंग में लूट के तरीके भी बदल गए होंगे। एकदम नए तरीके की लूट, ई फ्रॉड। हेलो। हेलो, क्या ये मिस्टर हरीश थड़ानी का लैंडलाइन नंबर है? जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मेरी उनसे बहुत पुरानी पहचान है, कई साल हुए हम टच में नहीं है। जी हम सॉरी, हरीश जी की डेथ हो चुकी है। ओह गॉड, कब? जी 2 साल पहले। आई एम सो सॉरी मैडम। इट्स ओके, वैसे मेरा नाम मौसमी है, मैं उनकी बहू हूँ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? जी नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू, बाय। श्योर सर। सर, मैं आपकी रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस कर देती हूँ, बट सर बैंक आपको 48 आवर्स में रिवर्ट बैक करेगा। सॉरी सर, सर ये डोल्बी एंड स्कॉल बैंक का बैक एंड ऑफिस है, बट मैंने आपका ईमेल जो है वो बैंक के ब्रांच ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया, बट सर 48 आवर्स लगते हैं। सर काइंडली नोट ऑन योर रिक्वेस्ट नंबर, इट्स 5469। हाँ रवि, मैं सब समझ सकती हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है ना, मुझे जो बन पाएगा मैं करूँगी। विद्या, मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करना चाहता, really? लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई है ही नहीं बात करने के लिए। डोंट वरी रवि, हम लोग कुछ वर्कआउट करेंगे, तुम इतना टेंशन मत लो। अच्छा सुनो, आज मिल सकती हो? ट्राई करूँगी, काम खत्म हुआ तो जरूर आऊँगी। मैं तुम्हारा वेट करूँगा। बाय। आनंद रवि मेरा दोस्त है। और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विद्या। आनंद रवि मेरा बचपन का दोस्त है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। चालाक है वो, यूज कर रहा है तुम्हें विद्या। प्लीज आनंद, 7 साल हो गए तुम एक ही बात बार बार कहते रहते हो। और कहता रहूंगा विद्या, जब तक तुम्हारी आंखों और अखिल पे पड़ी है इमोशनल पट्टियां ना खोल दो। आज तुम एक शादीशुदा औरत हो, हमारे रिलेशन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी विद्या। हमारी पूरी जिंदगी की प्लानिंग अभी बाकी है, और यह आदमी है कि हमारा ज्यादातर टाइम खा जाता है। आए दिन अपनी कोई नई फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके वो तुम्हारे सामने आता है, और तुम हो कि बेवकूफों की तरह उसे पैसे देती रहती हो बस। विद्या, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है? करती रहो तुम इस रवि की मदद, मैं तुम्हें कभी नहीं टोकूंगा, लेकिन तुम मुझे ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें कभी फोन नहीं किया। पचास लाख जानता हूं छोटी रकम नहीं है विद्या, पर तुम तो जानती हो कि हमारे साथ धोखा हुआ है। पैसे माँ के पास ही थे, हमारे खुद के, लेकिन मेरे सगे चाचा ने वो भी हड़प लिया। अब मुझे नया बिजनेस ट्राई करना था, इसलिए मैंने मार्केट से 50 लाख उठा लिया। अब वो लॉस में चला गया तो मैं क्या करूँ?
मार्केट से जो पैसा उठा है उसे लौटाना पड़ेगा ना। तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था रवि। लाइफ में काफी कुछ नहीं होना चाहिए था विद्या, पर हो गया। पर मुझे आगे की सोचना है। मैं 50 लाख का इंतजाम बिल्कुल नहीं कर सकती, मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, और ना मैं अपने पेरेंट्स से मांग सकती हूँ, और आनंद से पूछना तो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। आई एम रियली सॉरी विद्या। एक तरीका है, साभी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या? तुम्हारी कंपनी माइंडस्पीक कंसल्टेंट्स डॉल्बी एंड स्कोल्ड के कंट्री वाइड अकाउंट्स हैंडल करती है ना? हाँ, तो विद्या मेरे पास एक प्लान है। चेंज ऑफ एड्रेस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के मसले, फोन बैंकिंग नंबर, नेट बैंकिंग पासवर्ड, देश भर में डॉल्बी एंड स्कोल्ड बैंक की सभी ब्रांचेस के ये सारे प्रोसीजरल काम माइंडस्पीक कंसल्टेंट्स नाम की एक कंपनी और उसकी अलग अलग डिविजन्स हैंडल करती थी, और विद्या इसी कंपनी में एम्प्लॉय थी। विद्या जैसी एग्जीक्यूटिव्स कस्टमर्स के साथ संपर्क रखती थी और उनकी सभी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करती थी। विद्या, विद्या का पति आनंद और विद्या का दोस्त रवि तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। रवि बैकएंड ऑपरेशंस के सभी तौर तरीकों से वाकिफ था और उन्हें तोड़ मरोड़ के एक फ्रॉड करने की फिराक में था। कुरियर से आया है। हाँ, पर पापा के नाम 2 साल बाद, अजीब बात है। मौसमी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा को बैंक वालों ने इंटीमेशन लेटर भेजा है चेंज ऑफ एड्रेस के लिए, उनके अकाउंट को लेकर। ये कैसे हो सकता है? वाकई अजीब है, मैं तुम्हारे फादर को बहुत अच्छी तरह जानता था। इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि ये सब हुआ कैसे। अगर तुमने एड्रेस चेंज की मांग की नहीं तो तुम्हारे पास ये इंटीमेशन लेटर आया कैसे? सर 2 साल हो गए पापा की डेथ को, और तब से लेकर आज तक मैंने उनके पर्सनल अकाउंट को छुआ तक नहीं है। चेंज ऑफ एड्रेस की बात तो बहुत दूर है, और चेंज ऑफ एड्रेस हुआ भी तो कहाँ? चेन्नई, जिस शहर से हमारा कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग मिस्टर सुधीर। जस्ट गिव मी अ मिनट। निशा, मिशा, ये लेटर हमारे ब्रांच से मिस्टर थदानी के घर गया है। यस सर, मैंने परसों ही डिस्पैच किया था अपने रेगुलर कुरियर से। ये एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट कब आई? रिक्वेस्ट कब आई थी तो मुझे चेक करना होगा, लेकिन चेंज ऑफ एड्रेस का इंटीमेशन मुझे बैकएंड ऑफिस से मिला, और मैंने सारे डिटेल्स मिस्टर थदानी के एड्रेस पर कुरियर कर दिए थे। अरे, पर चेंज ऑफ एड्रेस की रिक्वेस्ट किसने दी थी? जिनका अकाउंट है उन्होंने? मिस्टर हरीश थदानी, मेरे फादर, वो तो गुजर चुके हैं, और मैंने आपको कोई रिक्वेस्ट दी नहीं। मिस्टर संदीप, हम ये हमारे बैकएंड ऑफिस से चेक करेंगे। व्हाट इज दिस बैकएंड ऑपरेशन? ये क्या होता है और कहाँ पर है? माइंडस्पीक कंसल्टेंट चेन्नई। चेन्नई? आप टेंशन मत लीजिए, वी विल सॉर्ट दिस आउट। मिशा, मुझे मिस्टर थदानी के पूरे अकाउंट की डिटेल्स चाहिए। He was a very esteemed customer of ours. Okay, sir. सर, मिस्टर हरीश थदानी का अकाउंट 2 साल से डोरमेंट था, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, और अकाउंट बैलेंस 80 लाख रुपीस था। दरअसल पापा की डेथ के बाद उनके बिजनेस को संभालने में मैं इतना बिजी हो गया कि आप तो जानते हैं मिस्टर सुधीर के इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस कितना वक्त लेता है, शायद इसी वजह से मैं उनके पर्सनल अकाउंट पर ध्यान नहीं दे सका। ये एड्रेस चेंज सिर्फ लास्ट वीक इफेक्टिव हुआ है। यस सर, 12/16 क्रिसेंट अपार्टमेंट, अडियार रोड, चेन्नई। एड्रेस चेंज होने के बाद 12 ट्रांजैक्शंस हुए, टोटल 60 लाख विड्रॉ हुआ है। व्हाट आर यू सेइंग? How is this possible? Debit card, checkbook, net banking password, सारे details new Chennai address को send कर दिए गए थे। हाँ, लेकिन आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा का nominee सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, और मेरी जानकारी के बगैर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है हमारे backend office से बहुत बड़ी गलती हुई है। Sir, this is fraud. 60 लाख का fraud है सर।
मेरे पापा की मेहनत की कमाई और आप इसे गलती कह रहे हैं। मिशा, माइंडस्पीक कंसल्टेंट्स के विजिलेंस डिपार्टमेंट को इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करवाऊंगा। दिस इज रिडिकुलस। 2 साल से अनऑपरेटेड अकाउंट से 60 लाख रुपए चुराए गए, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। कैसे हुआ ये? अकाउंट होल्डर की जानकारी के बिना उसका एड्रेस चेंज करके मुंबई से चेन्नई कर दिया गया। यहां तक कि मुंबई के ब्रांच ऑफिस को भी इस बात की खबर नहीं थी। उसके बाद उस अकाउंट के चेक बुक्स और डेबिट कार्ड्स वगैरह इस नए एड्रेस पर मंगवाए गए और उस एड्रेस पर भेजे भी गए और फिर हुआ यह फ्रॉड। आखिरकार इतने बड़े फ्रॉड को किसी ने अंजाम कैसे दिया था? विद्या, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? डॉल्बी एंड स्कूल के बैंक अकाउंट्स। एक मिनट रवि, तुम सोच क्या रहे हो? पहले मुझे बताओ तुम मेरी मदद करोगी ना? पहले बताओ प्लान क्या है। जब मैं सीसी सॉफ्टवेयर में काम करता था तब हम एनबीसी के बैंक अकाउंट्स हैंडल करते थे। तब मैंने नोट किया कि इसमें से कई सारे बैंक अकाउंट्स सालों तक इनएक्टिव रहते हैं। ये फ्रॉड होगा विद्या। सालों तक लाखों रुपए अनयूज पड़े रहते हैं और किसी को भनक तक नहीं पड़ेगी। और जब मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे हम उन अकाउंट्स में पैसे वापस डाल देंगे। देखो रवि, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन ये बहुत गलत है और मैं अपनी रेपुटेशन रिस्क पर नहीं डाल सकती। 20 साल की फ्रेंडशिप है हमारी, तुम्हें लगता है कभी मैं चाहूंगा कि तुम्हारा नाम उछले या तुम्हारे रेपुटेशन पर आ जाए? पर रवि, पकड़े जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो, तुम सिर्फ वो अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन मुझे लाके दो जो कई महीनों से या सालों से इनएक्टिव पड़े हैं। दैट्स इट। बाकी सारा मैं संभाल लूंगा विद्या। एंड आई रिपीट, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा नाम बीच में नहीं आएगा। से मिलने गई थी। तुम अंदर से लॉक क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना मेरे पास चाबियां हैं। रवि से मिलने गई थी मैं, अर्जेंटली मिलना था उसे, मुश्किल में फंस गया है वो। और मेरे फोन कॉल अटेंड करने का टाइम भी नहीं था तुम्हारे पास। देती तो वही बात होती ना, रवि के साथ हो, क्या कर रही हो, कब तक आओगी? विद्या तुम क्या? आनंद, हम एक दूसरे को 7 साल से जानते हैं, साथ में काम शुरू किया, प्यार किया, शादी की। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ आनंद। रवि सिर्फ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरे भाई जैसा है। विद्या, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम्हारा रवि के साथ कोई अफेयर चल रहा है, और ना ही ऐसा कभी सोचा है मैंने। विद्या, मैं तुम्हें सिर्फ वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम समझ नहीं रही हो। रवि सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है। तुमने आज तक उसे इतने सारे पैसे दिए, लेकिन वो है कि उसने आज तक 1 भी रुपया तुम्हें वापस नहीं किया। तुम मेरी पत्नी हो विद्या, प्यार करता हूँ तुमसे, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम से बचाऊं? हर बार सोचता हूँ, कहता भी हूं खुद से कि तुम्हें नहीं टोकूंगा। विद्या, मैं हमारे परिवार को बनने से पहले टूटते हुए नहीं देखना चाहता। बिलीव मी। टेंशन मत ले अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे चाचा जी से मैंने फोन पे अभी बात की, लेकिन वो अब भी कह रहे कि एक पैसा नहीं दूंगा। उस चोर को फोन ही क्यों किया अम्मा? भूल जाओ कि मेरे चाचा और आपके देवर कुछ नहीं हमारे लिए, मर गए वो। तुम्हारे अप्पा को जाने के पहले ही पैसों का सारा मामला निपटा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका अपना भाई हमारे साथ ऐसा फ्रॉड करेगा। थोड़ा टाइम लग रहा है रवि, इस डॉल्बी एंड स्कूल बैंक के 1 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स हैं देश भर में। विद्या देखो, तुम कुछ अकाउंट डिटेल्स मुझे क्यों नहीं देती? मैं अपनी तरफ से लिस्ट बनाऊंगा ना। लिस्ट ऑफिस से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। विद्या, पेन ड्राइव पे लोड कर सकती हो। पेन ड्राइव ऑफिस के अंदर लाना अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है यहाँ। तुम माइंडस्पीक कंसल्टेंट की सीनियर एम्प्लॉय हो, तुम ऑफिस रात को जा सकती हो, और पेन ड्राइव को कैसे अंदर ले जाना है यू नो इट राइट? ठीक है, ट्राई करती हूँ। आई एम सॉरी विद्या, उस रात मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। वो रवि कैसा है? ठीक है। हाँ नंद, बोलो। कहाँ हो तुम? ऑफिस जा रही थी इस वक्त। हाँ, एक्चुअली काम का कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड था,
कल सुबह तक ही काम खत्म करना था। लेकिन विद्या तुमने मुझे बताया तक नहीं। आनंद तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें नींद से जगाना ठीक नहीं होगा। अच्छा सुनो, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। हाँ आनंद बोलो। रवि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम हमेशा की तरह एक बार फिर बहुत बड़े कर्ज में डूब गए हो और इस बार इतना अंदर धस चुके हो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड विद्या भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकती। Am I right? Absolutely right, आनंद। अगर विद्या नहीं होती तो मैं अभी तक फिनिश हो क्या होता। कहीं तुम विद्या के करियर को फिनिश करने पे तो नहीं तुले हुए हो? आनंद what do you mean यार? रवि पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि तुम विद्या को बहका रहे हो। तुम जरूर उससे कुछ ऐसा करवाने वाले हो जो बहुत गलत होगा। नहीं नहीं आनंद, ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी इस बात का विश्वास करने का फुल ट्राई करूंगा। डॉल्बी एंड स्कोल्ड बैंक की देश भर में सैकड़ों ब्रांचेस हैं, जिनमें हजारों ऐसे अकाउंट थे जो एक अरसे से डॉर्मेंट थे, यानी कि उनमें किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। इन अकाउंट्स में पैसा ज्यों का त्यों पड़ा था कई सालों से। आखिरकार रवि ने एक ऐसा ही अकाउंट चुना, मिस्टर हरीश थडानी का अकाउंट। इस अकाउंट में 2 साल से कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी और इस अकाउंट का बैलेंस भी काफी बड़ा था। ये रहे। हरीश थडानी? हाँ, मुंबई के फोर्ट बेंच का अकाउंट है। 2 सालों से एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। पूरे 80 लाख बैलेंस अकाउंट में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। रवि ये बहुत रिस्की होगा, कैसे होगा? क्या रिस्क होगा, 2 साल से पैसों पर मकड़ी का जाल बिछा हुआ है। क्रिमिनल है ऐसे पैसे पड़े रहना, किसी को पड़ी नहीं है, कोई मॉनिटर भी नहीं कर रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट, यू नो, द अकाउंट होल्डर मिस्टर हरीश थडानी हमेशा के लिए डॉर्मेंट हो गया है। आई मीन 2 साल पहले ऑफ। तुम्हें कैसे पता चला ये? हरीश जी की डेथ हो चुकी है। ओह गॉड, कब? जी 2 साल पहले। आई एम सो सॉरी मैडम। विद्या, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, सब सेट है। लेकिन उस अकाउंट से पैसे तुम कैसे बाहर निकलवाओगे? नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चेकबुक। हाँ लेकिन ये सब तो मिस्टर थडानी के फैमिली के पास होगा ना, मतलब जो उसका नॉमिनी होगा। मिस्टर थडानी की नई फैमिली मैं हूँ। एक काम करो, इस अकाउंट होल्डर का एड्रेस चेंज करवा दो और नए एड्रेस पर डेबिट कार्ड और चेकबुक भिजवा दो। फिर मैं फटाफट उस अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा और जैसे मेरा काम हो जाएगा हम वापस रिट्रांसफर कर देंगे। सिंपल। क्या सिंपल रवि, कैसे होगा? होगा विद्या, देखो, चेंज ऑफ एड्रेस का रिक्वेस्ट ब्रांच ऑफिस जाएगा, राइट? फिर ब्रांच सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा और एक आउटसोर्स एजेंसी वेरीफाई करेगी। फिर वो सारे पेपर्स तुम्हारे कंपनी यानी बैकएंड ऑफिस आएंगे, मतलब जो भी चेंजेस होने होंगे, मतलब यहाँ तुम्हारे माइंडस्पीक कंसल्टेंट के ऑफिस में होंगे, और जो चेकबुक और डेबिट कार्ड है वो तुम ही डिस्पैच करोगे। लेकिन 2 साल पहले गुजरा हुआ आदमी हरीश थडानी चेंज ऑफ एड्रेस की रिक्वेस्टेशन कैसे भेजेगा? एक मिनट, ये देखो, ये उसके ई सिग्नेचर है। अब इसे कॉपी करना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना? मतलब फॉर्जरी? विद्या इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, मैं बस पैसों पे लगी दिमाग को साफ कर रहा हूँ। और सुनो, इस सिग्नेचर को हम कॉपी करके वहाँ यूज करेंगे। लेकिन सारे पेपर्स पहले ब्रांच जाते हैं, फिर आउटसोर्स एजेंसी के पास जाते हैं, फिर वो पुराने एड्रेस पर जाकर वेरीफाई किए जाते हैं। ये सारा प्रोसीजर स्किप कर दो, बात यहाँ तक जानी नहीं चाहिए। तुम सीधे अपने ऑफिस से एड्रेस चेंज कर देना और फिर अपने ऑफिस से नए एड्रेस पर चेकबुक और डेबिट कार्ड को डिस्पैच कर देना। वो जैसे मुझे मिलते हैं मैं उस अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा विद्या। लेकिन हरीश थडानी का अकाउंट मुंबई के ब्रांच में है और वो मेरे अंडर नहीं आता और मैं अपने कंप्यूटर से उसमें लॉगिन नहीं कर सकती। मुंबई ब्रांच का इंचार्ज कौन है? मेघना। तो पासवर्ड मांग लो इस मेघना से, अब कह दो कि तुम्हारा सर्वर डाउन है। कोई अपना पासवर्ड नहीं डिस्क्लोज करता, ये तुम भी जानते हो। तो दुनिया में कभी कोई हिम्मत करके ऐसे काम नहीं करता, मांगो उसे। मेघना तुम्हारी दोस्त है और तुम पर कौन शक कर सकता है?
तुम ऑफिस नहीं आ रही हो क्या? नहीं यार, छुट्टी ही है, कन्याकुमारी जा रही हूँ। एक्चुअली एक हेल्प चाहिए थी मेघना। हाँ बोलो। मेरा सर्वर डाउन है और कुछ अकाउंट्स अर्जेंटली प्रोसेस करने थे, क्या मैं तुम्हारा आईडी और पासवर्ड थोड़े टाइम के लिए यूज कर सकती हूँ प्लीज? विद्या नो, आई मीन इट्स नॉट अलाउड राइट? आई नो, पर थोड़ा अर्जेंट है, कुछ प्रिविलेज्ड कस्टमर्स के अकाउंट्स है जो प्रोसेस करने थे और कल हेड ऑफिस भेजने थे जो अभी तक नहीं गए हैं। मैं किसी और से हेल्प मांग भी नहीं सकती और बॉस को बोल भी नहीं सकती कि काम नहीं हुआ है। आई नीड योर हेल्प मेघना, प्लीज 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 मेघना प्लीज। अच्छा ओके ओके ओके, बस ये एक बार। हाँ, इसके बाद मैं अपना पासवर्ड चेंज कर लूँगी। टोटली, आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मेरा आईडी नोट करो, इट्स PXC_NET। और पासवर्ड? पासवर्ड राघवन। रवि, वो नया एड्रेस 12/16 क्रेसेंट अपार्टमेंट्स, अडिया रोड, चेन्नई। एक महीने के लिए ये फ्लैट मैंने किराए पे लिया है। चेंज ऑफ एड्रेस 2 दिन में इफेक्टिव हो जाएगा, नॉर्मली इतना टाइम लगता है। पर ये सिचुएशन तो नॉर्मल नहीं है ना। तुम मेघना के सिस्टम से लॉगिन करो और प्रोसेस जल्दी करवाओ। 12 घंटे में हो सकता है, तुम बैकएंड में हो, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा विद्या। ओके। तुमने मुझे मरने से बचाया, मेरी माँ की जिंदगी बचाई है तुमने। तुम्हारी ये हेल्प मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, मैं कभी किसी के लिए ऐसा नहीं करती और कभी नहीं करूंगी। डोंट वरी विद्या, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। रवि ने विद्या को मैनिपुलेट करके एक अद्भुत किस्म का बैंकिंग स्कैम किया था। उन्हें लगा था कि यह प्लान फुल प्रूफ है। ये दोनों खिलाड़ी इस खेल के सभी रूल्स जानते थे, वो सभी लूपहोल्स भी जानते थे जिनके बेसिस पे ये फ्रॉड किया गया था। लेकिन ये खिलाड़ी कुछ छोटे बेसिक रूल से वाकिफ नहीं थे कि जब भी एड्रेस चेंज किया जाता है तो बैंक कंफर्मेशन नोटिस नए और पुराने दोनों एड्रेसेस पर भेजता है। रवि और विद्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका फ्रॉड पकड़ में आएगा और वो दोनों पकड़े जाएंगे। मिशा, माइंडस्पीक कंसल्टेंट्स के विजिलेंस डिपार्टमेंट को इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करो। लेकिन सर, जब कोई क्रॉस वेरिफिकेशन हुई ही नहीं तो फिर ये हुआ कैसे? हुआ है मिस्टर मेनन, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, बिना कोई वेरिफिकेशन के सब किया गया है। 60 लाख साफ किए गए हैं एक डॉर्मेंट अकाउंट से। Oh my God! मुझे ASAP उस सर्वर की डिटेल्स चाहिए जहाँ से ये चेंजेस इफेक्ट में लाए गए। ये एक बहुत ही सीरियस फ्रॉड है और जल्द से जल्द पकड़ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आप प्लीज मुझे एक फॉर्मल कंप्लेंट भेज दीजिए। अपना ईमेल चेक करो, भेज दिया है। मिस्टर संदीप, क्या कहूँ, सॉरी कहते हुए भी शर्म आती है। सर, आप लोगों को लगता होगा कि बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपए हैं तो बहुत अमीर, बहुत बड़े आदमी होंगे, लेकिन मैं और सिर्फ मैं जानता हूँ कि मेरे पापा ने किस तरह से खून पसीना बहाकर इस बिजनेस को खड़ा किया है। डोर टू डोर जाते थे इमिटेशन ज्वेलरी को बेचने के लिए, तब जाकर यूनिट खड़ी हुई है। कोई भी अकाउंट को, खास करके जिसमें इतना बैलेंस हो, कभी ऐसे डॉर्मेंट नहीं रखना चाहिए। टाइम टू टाइम उसमें ट्रांजैक्शंस कर लेनी चाहिए और अकाउंट चेक करते रहना चाहिए। अगर ये काम भी हम ही करेंगे तो फिर बैंक क्या काम करेगा? बैंक के पास पब्लिक का पैसा सिक्योर है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो आपके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव दिन में 15 बार फोन क्यों नहीं करते हमें? हमें ईमेल क्यों नहीं भेजते कि सर आपका अकाउंट डॉर्मेंट है, ट्रांजैक्शन कीजिए प्लीज? क्योंकि जब बात आती है होम लोन की, कार लोन की, दूसरा अकाउंट खोलने की, तो आपके कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स हम पर चील की तरह झपट पड़ते हैं। तो फिर अब क्यों नहीं? पापा के जाने के बाद अगर आपने हमें बता दिया तो क्लोज कर देता अकाउंट, पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर देता मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, बट बिलीव मी, दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। ये क्रिमिनल एक्ट है सर, आपके पर्सनलाइज्ड बैंकिंग और ई बैंकिंग के एडवर्टाइजमेंट पर सवालिया निशान उठाता है। वो तो गनीमत है लेटर मेरे हाथ लग गया, वरना तो मुझे इस फ्रॉड के बारे में पता ही नहीं चलता, और शायद आपको भी नहीं। सर,
मिस्टर थडानी का एड्रेस चेंज रिक्वेस्ट जिस सर्वर से इफेक्टिव किया गया है उसका आईपी एड्रेस है 1.345.1.A.BRF.435। लॉगिन और आईडी किसका है? मेघना, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्यों? बोला ना चलो। लंच कर रही हूँ, बाद में आती हूँ। ऐसे भी क्या चलती है? चलती हो या फिर घर सीट के लिए चलो। What? चलो। हुआ क्या? कुछ पता है? मुझे क्या पता क्या हुआ? मेघना, लॉगिन तुम्हारे आईडी और पासवर्ड के साथ हुआ। एड्रेस चेंज भी इसी आईडी से हुआ। पैसे ट्रांसफर भी तुम्हारे आईडी और पासवर्ड के साथ ही किया गया। सर, आई स्वेयर सर, मैंने सब नहीं किया सर। सच बोलो मेघना, प्लीज, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सब मैं सच कह रही हूँ सर। सच निकलवाने का आईडी और पासवर्ड दोनों पुलिस के पास है, वो तुम्हारी जुबान खोलेंगे। तुम क्या कह रही हो? कहा था ना मैंने पकड़े जाएंगे। मेघना को पुलिस लेकर गई है, हमारी भारी टेंशन। मतलब मैं जो कह रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनो। टेंशन नहीं लो, पुलिस से क्या बोलूंगी मैं? वो लोग कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। विद्या, वो मेघना के आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो जितना भी बोले कि उससे तुम्हें पासवर्ड फोन पे दिया, तो तुम साफ मना कर देना। वो मेरी फ्रेंड है, इनोसेंट है, वो उससे जेल हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ बता देना, फिर मुझे जेल हो जाएगी विद्या, और तुम्हें भी हो जाएगी। आनंद के बारे में सोचो, उस पर क्या बीतेगी? विद्या, उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, हम तीनों बर्बाद हो जाएंगे। विद्या, इतना समझो कि मेघना का बैड लक है, बस। क्या हो गया? देखो विद्या, ऐसे टूटने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को संभालो प्लीज। और मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो, पुलिस तुम तक नहीं पहुंचेगी, आई अश्योर यू, भरोसा रखो। ठीक है, ओके, आई कॉल यू बैक। ओके, फ्रॉड किया है मेघना ने, फ्रॉड किया है ऐसा ऑफिस में बोल रहे हैं। ध्यान काम में था तो सुना नहीं मैंने। विद्या, विद्या क्या हुआ? टेल मी विद्या, व्हाट हैपेंड? विद्या, गेम इज ओवर। मुरली सर, ये क्या कह रहे हैं आप? व्हाट गेम? सर, इस लेडी को अरेस्ट कीजिए, इसने हमारे कस्टमर के साथ फ्रॉड किया है, डॉल्बी एंड स्कोल्ड बैंक। ये कुछ बता नहीं रही है, लेकिन हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है। सर, सर प्लीज सर, सर आई एम नॉट। मेघना, वन लास्ट चांस, यहाँ पर बताओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पुलिस स्टेशन में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये तुम जानती हो। सर, सर आई एम नॉट डन एनीथिंग सर, प्लीज सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, सर ये सब किस दिन हुआ है सर? 13 अगस्त। सर, 13 से 18 अगस्त तक मैं लीव पर थी सर। सर, आई वॉज इन कन्याकुमारी। और सर, सर 13 अगस्त को मुझे विद्या ने भी फोन किया था, वो मुझसे मेरा आईडी पासवर्ड मांग रही थी सर। मेरा सर्वर डाउन है और कुछ अकाउंट्स अर्जेंटली प्रोसेस करने थे, क्या मैं तुम्हारा आईडी और पासवर्ड थोड़े टाइम के लिए यूज कर सकती हूँ प्लीज? मेघना, ये रियल लाइफ है, कोई बी ग्रेड फिल्म या टेलीविजन सीरियल नहीं कि तुम जो भी बकोगी हम लोग मान लेंगे। यू थिंक वी आर स्टूपिड? स्टूपिड तो मैं थी सर, सब वो मेरी सीनियर है, और उस दिन जब उसने मुझे फोन किया तो वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, उसने कहा कि उसका सर्वर डाउन है। सर, शी इज राइट, 13 से 18 के बीच में मेघना छुट्टी पे थी। मुरली सर, मेघना को जाने दो, जो कुछ किया मैंने किया। विद्या, आई एम शॉक्ड, ऑफ ऑल द पीपल तुम, और वो भी इतने सालों के सर्विस के बाद। 60 लाख के लिए अपने पूरे लाइफ को खराब कर दिया तुमने, किस लिए किया ये सब? टेल मी विद्या, क्या ये तुमने उस रवि के लिए किया? विद्या ने जैसे ही रवि को फ्रॉड पकड़े जाने की खबर दी, रवि गायब हो गया, पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है। विद्या का पति आनंद
अपनी पत्नी को जेल से बाहर निकलवाने की पूरी कोशिशें कर रहा है, लेकिन विद्या को अब तक बेल नहीं मिली। हर बार उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि इस जुर्म में उसका साथी अब तक फरार है। विद्या शौक में है कि रवि उसे इस तरह से फंसाकर पैसों के साथ भाग गया है। मेघना पर भी सख्त कार्रवाई की गई है, अपना सर्वर लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी और के साथ शेयर करने के लिए। किसी भी कंपनी में ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। संदीप थडानी ने अपना पैसा रिकवर करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करती है। वो इस केस में विद्या, रवि और मेघना के साथ साथ डॉल्बी एंड स्कोल्ड बैंक को भी अपना गुनहगार मानता है। फ्रॉड से लूटे गए 60 लाख रुपए अभी तक ट्रेस नहीं हुए हैं। जब एक अकाउंट एक अरसे तक इस्तेमाल नहीं होता तो उस अकाउंट को डॉर्मेंट यानी इनएक्टिव करार दिया जाता है। इनएक्टिविटी की ड्यूरेशन बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। इस अकाउंट को फिर से ऑपरेशनल बनाने के लिए अकाउंट होल्डर को कई तरह के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। वेरिफिकेशन के कई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। आजकल के बैंकिंग सिस्टम में पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ज्यादातर ये काम आउटसोर्स किए जाते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आपके और मेरे बैंक अकाउंट की अब कई चाबियां हैं और ये सभी चाबियां अलग अलग हाथों में हैं। आज के इस केस में ये इतना बड़ा फ्रॉड सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि कस्टमर के अकाउंट की सबसे अहम चाबी एक आउटसोर्स बैकएंड कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव के हाथों में थी, और इसलिए इस एग्जीक्यूटिव द्वारा बीच के सभी आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, वो सारे लॉक एंड कीज बायपास किए गए। और जाहिर सी बात है कि अकाउंट होल्डर को इस फ्रॉड की भनक तक नहीं थी। और लुटेरों का मास्टर स्ट्रोक ये था कि उन्होंने एक ऐसा डॉर्मेंट यानी इनएक्टिव अकाउंट चुना जिसमें ढेर सारा कैश था और अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो चुकी थी। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के द्वारा बैंक्स अगर पर्सनलाइज बैंकिंग के जरिए आपकी मुट्ठी में चांद भी रखने का वादा करें तो भी आपको अपने अकाउंट को बंद मुट्ठी की तरह नहीं रखना है। आज का ये केस दस्तक है कि अपने किसी भी अकाउंट को लंबे समय तक इनएक्टिव ना रखें। बीच बीच में अपने स्टेटमेंट्स चेक करें, ट्रांजैक्शंस करें, और अगर जरा सी भी गड़बड़ नजर आए तो तुरंत रिपोर्ट करें, एक्शन लें। उस फ्रेंडली बैंक मैनेजर का जमाना अब बीत गया जिसके कैबिन में आप चाय पीकर अपनी सारी बैंकिंग प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन पा लिया करते थे। बढ़ती आबादी, बूमिंग इकोनॉमी, इन दोनों ने मिलकर सारी बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है। इंटरनेट, क्रेडिट कार्ड्स, फोन्स अब बैंकिंग के अहम स्तंभ बन गए हैं, लेकिन सभी कस्टमर्स इस नए सिस्टम से वाकिफ नहीं है। जरूरत है कि हम सभी अपने आप को इस नई टेक्नोलॉजी से अपडेट करें। पिछले दिनों के बारे में नॉस्टैल्जिक होने से हमारी आज की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होंगी, और दूसरी तरफ बैंक में काम करने वाले 20-30 साल के नौजवानों को अपने से पहली जनरेशन वाले कस्टमर्स के साथ ज्यादा सेंसिटिव तरीके से पेश आना चाहिए और उन्हें टेक्नोलॉजी समझने और प्रैक्टिस करने के सरल तरीके बताने चाहिए। टेक्नोलॉजी का चक्का घूम गया है। ई बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, फोन बैंकिंग, ये हमारी जिंदगी के अहम अंग बनते जा रहे हैं। हम सबके लिए बेहतर होगा कि हम इस नए सिस्टम को अच्छी तरह से समझें और उस पर कंट्रोल पाएं, ताकि सिस्टम फेलियर्स की इमरजेंसी में हम अपने आप को बेसहारा ना महसूस करें और सामने वाला ई लुटेरा कहीं एक क्लिक के साथ हमारे भविष्य को पूरी तरह से ब्लैंक ना कर दे। क्राइम पेट्रोल में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, जय हिंद।